वेलकम टू माय रेसिपी चैनल। आज मैं आपके साथ मटन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रख ली है, आपको आइए दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 kg मटन लिया है, जिसे अच्छे से धो के मैंने छलने में डाल के इसका सारा पानी निकाल लिया है। 400 ग्राम मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, जिसे पतला पतला मैंने बिरयानी के जैसा काट लिया है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती को मैंने चॉप किया है, और 4 साबुत हरी मिर्च है, और 2 हरी मिर्च को मैंने काट के लिया है। 2 बड़े साइज का टमाटर को मैंने गोल गोल काट लिया है। डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 चम्मच अदरक का, और 1/2 कप मैंने यहाँ पे दही लिया है, और 1 कप से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, और कुछ पाउडर मसाले भी मैंने यहाँ पे लिए हैं। 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच ज़ीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और कुछ साबुत गरम मसाले, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गोल मिर्च और तेज़पत्ता। चलिए तो मटन करी अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई जब गर्म हो गई तो फिर मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। आप चाहें तो रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। तेज़ आंच पे ही प्याज को आपको फ्राई करना है। देखिए, प्याज इस तरह का जब आपका कलर हो जाएगा प्याज का, फिर अब मैं इसमें मटन डाल दूंगी, और इसे तब तक भूनना है जब तक इसका पानी सारा सोख नहीं लेता, जिसमें 5 मिनट कम से कम लग जाएगा। इसी तरह से चलाते हुए आपको इसे भूनना है। 5 मिनट के बाद मैं इसमें नमक जो मैंने लिया है वो डाल दूंगी, और साबुत गरम मसाले जो लिए हैं वो डाल देंगे। अब इसके साथ भी मैं थोड़ी देर इसे भूनूंगी। नमक डालने से फिर इसमें पानी छोड़ देगा, तो आपको इसको थोड़ा देर और भूनना है। ये देखिए, भूनते भूनते अब इस कलर का हो गया है ये। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी थोड़ी देर हमें भूनना है, 2 मिनट तक कम से कम। उसके बाद फिर मैं इसमें जो टमाटर लिया है मैंने वो डाल दूँगी। टमाटर डाल के भी 1 मिनट तक इसे चला चला करके आपको भूनना है। मैं हाई फ्लेम पे ही इसे सब भूंज रही हूँ। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ये 4 मसाले डाल दूंगी, लेकिन अभी गरम मसाला मैं नहीं डालूंगी इसमें। चारों सूखे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। इसे भी मैं थोड़ी देर मिला लूंगी सब मसाले को। उसके बाद फिर मैं इसमें दही डाल दूंगी। अगर प्याज का आपका कलर अच्छा आएगा तो आपके करी का कलर अच्छा रहेगा।
अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा तब डालिएगा। और दही डाल के इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। दही गर्म के कांटेक्ट में आके फट जाता है। ये देखिए मैं जिस तरह से भून रही हूँ वैसे ही आपको इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। ये देखिए अब सब सारी चीज़ें अब मिल गई हैं। थोड़ी देर और इसे मैं एक मिनट तक भूनूंगी। फिर मैं इसमें 2 कप पानी डाल के इसे गलने के लिए छोड़ दूंगी। इसे गलने में कम से कम 40 मिनट लग जाएगा। अगर आप इसे कुकर में बनाते हैं तो 6 से 7 सीटी में आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए आधा घंटा हो चुका था। मैं अब आप उसे खोल के दिखा रही हूँ। देखिए ये अब रेडी हो चुका है। गोश्त गल भी गया है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल के इसे भूनूंगी। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है आप वैसे ही एक बार ट्राई करिएगा तो आपकी मटन करी भी बहुत अच्छा बन करके रेडी होगा। अब गरम मसाला डाल दिया है मैंने और 4 साबुत हरी मिर्च जो मैंने ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं पसंद है तो मत डालिएगा। अब इसे फिर चलाते हुए मैं भूनूंगी 5 से 7 मिनट तक। ये देखिए मुझे भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। देखिए इसका कितना अच्छा कलर हो गया है, तेल सारा मसाले के ऊपर आ गया है, ग्रेवी भी एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसमें मैं 2 कप पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ दूंगी। और ऊपर से धनिया की पत्ती जो मैंने चॉप की है वो डाल दूंगी और कटी हुई हरी मिर्च। मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये एकदम रेडी है। ये देखिए मैंने 2 कप पानी डाल दिया, ऊपर से धनिया की पत्ती छिड़क दिया और हरी मिर्च, और इसे ढक करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया है था। ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ प्याले में। ये देखिए मटन करी बन करके रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। जिस तरह से मैंने बताया है वैसे ही बनाइएगा, आपका भी बहुत अच्छा बन करके रेडी होगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।